लोग ऐसा कहते हैं कि इस एक्ट के तहत जिनके अगेंस्ट भी एफआईआर दर्ज होती है उनकी सालों साल तक बेल नहीं होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि एनडीपीएस एक्ट को इतना खतरनाक एक्ट क्यों कहा जाता है, इतना डेंजर क्यों कहा जाता है कि इसके अंदर सालों साल तक बेल नहीं होती और लोग सालों साल तक जेल में पड़े रहते हैं, उनकी कोई किसी तरह की भी सुनवाई नहीं होती। स्पेशल एक्ट्स की हम बात करें, स्पेशल लॉ की बात करें, जैसे पॉक्सो के लिए एक स्पेशल जज बैठते हैं, स्पेशल कोर्ट में हियरिंग चलती है, उसी तरह से एनडीपीएस के मामलों की भी स्पेशल कोर्ट में ही हियरिंग चलती है। दोस्तों एनडीपीएस एक्ट 1985 की अगर हम बात करें तो इसको लेकर बहुत तरह की धारणाएं हैं लोगों के दिल में। लोग ऐसा कहते हैं कि इस एक्ट के तहत जिनके अगेंस्ट भी एफआईआर दर्ज होती है उनकी सालों साल तक बेल नहीं होती है। ऐसा भी मानना है इस एक्ट का कि इसके अंदर कोई भी प्रावधान एंटीसिपेटरी बेल का नहीं है, या क्यों इतना खतरनाक बनाया गया, क्या डिफॉल्ट बेल का प्रावधान इस एक्ट के तहत आपको मिलता है। जब पुलिस आपको अरेस्ट करती है इसी एक्ट के तहत सेक्शन 42 की हम बात करें या सेक्शन 50 की हम लोग अगर बात करें एनडीपीएस एक्ट के, तो क्या क्या प्रिकॉशंस और क्या क्या सावधानियां पुलिस को लेनी ही होगी, और साथ में क्या क्या कंप्लायंस अगर नहीं होंगे तो वहां पर आपका बेल का राइट बन जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि एनडीपीएस एक्ट को इतना खतरनाक एक्ट क्यों कहा जाता है, इतना डेंजर क्यों कहा जाता है कि इसके अंदर सालों साल तक बेल नहीं होती और लोग सालों साल तक जेल में पड़े रहते हैं, उनकी कोई किसी तरह की भी सुनवाई नहीं होती। क्या है इन सब बातों के पीछे सच और क्या ये चीज सब रियल है, आज उसी के बारे में डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो में कि एनडीपीएस एक्ट इतना खतरनाक क्यों है। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फाइट फॉर ट्रू और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आपके लेकर आते हैं और आपको बनाते हैं कानूनी जानकार। दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो एनडीपीएस एक्ट है 1985 में आया था, द नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। जितने भी आप में से कोई भी लॉ स्टूडेंट है, नए वकील साहब हैं, अभी आप वकील बने हैं और आपने प्रैक्टिस शुरू की है, या फिर आप एक्यूज की फैमिली से हैं या खुद एक एक्यूज थे, तो मैं आप सभी को बता दूं कि हम इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस लेकर आते हैं और आपको हर तरह के आपके राइट्स से अवेयर करने की कोशिश करते हैं। आप किसी भी तरह के ड्राफ्टिंग में सपोर्ट चाहते हैं, किसी भी केस के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर छोड़ें, हम आपको उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। और फिर पर्सनल आप हमसे बात करना चाहते हैं तो हमें आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोस्तों एनडीपीएस एक्ट थोड़ा ये अलग से एक एक्ट है जिसको स्पेशल एक्ट हम लोग कहते हैं। आप आईपीसी का सेक्शन 41 अगर आप पढ़ते हैं तो वहां पर स्पेशल लॉ की बात की गई है, मतलब स्पेशल एक्ट। स्पेशल एक्ट की हम बात करें तो जो स्पेशल जजेस होते हैं जो इनकी सुनवाई करते हैं, मतलब जजेस का भी क्राइटेरिया देखें तो पहले वो कहीं ना कहीं सेशन जज थे जिनको बाद में एक स्पेशल जज बनाया गया। स्पेशल एक्ट्स की हम बात करें, स्पेशल लॉ की बात करें, जैसे पॉक्सो के लिए एक स्पेशल जज बैठते हैं, स्पेशल कोर्ट में हियरिंग चलती है, उसी तरह से एनडीपीएस के मामलों की भी स्पेशल कोर्ट में ही हियरिंग चलती है। अब बात यहां पर यह आती है कि जिस तरह से आईपीसी में मेंशन है या सीआरपीसी की सारी प्रोसीडिंग्स चलती हैं, यहां ऐसा नहीं चलता क्योंकि इसका खुद के जो सेक्शंस हैं उसी के आधार पर, उसी के तहत ही सारी प्रोसीडिंग्स चलाई जाती है। जहां एक और धारणा है, सोच है, एन एक्यूज इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, वो धारणा यहां नहीं चलती। यहां क्या चलता है, एन एक्यूज इज एक्यूज Until proven non guilty, मतलब जब तक वो बरी नहीं हो जाएगा, जब तक उसकी प्रोसीडिंग चल रही है उसको गिल्टी ही माना जाएगा, उसी के आधार पर ही केस को चलाया जाएगा। अब एक और यहाँ प्रॉब्लम आती है कि चार्जशीट फाइलिंग की डेट की हम बात करें तो चार्जशीट फाइलिंग की डेट जिसके अंदर क्या पुलिस वालों को टाइम मिलता है 6 महीने का, 180 दिन का। बाकी के मामलों में हम अगर बात करें तो जहां पर कि 60 दिन और 90 दिन का एक प्रावधान है जिसमें कि आप अगर 167(2) का सीआरपीसी पढ़ते हैं तो वहां डिफॉल्ट बेल का भी प्रावधान है, उन्हीं के तहत कि 60 दिन और 90 दिन में अगर आपकी चार्जशीट नहीं लगती है तो डिफॉल्ट बेल का भी आपका एक राइट बन जाता है। क्या होती है दोनों चीज, उस पर हमने वीडियो बनाई है, उस वीडियो को आप देखेंगे तो इजीली आप समझ पाएंगे। पर यहां अगर हम बात करें एनडीपीएस एक्ट की तो यहां पर 6 महीने तक भी पुलिस वाले चार्जशीट लगा सकते हैं, और अगर उनको और वक्त चाहिए इन्वेस्टिगेशन के लिए तो 180 दिन का या 6 महीने का और ज्यादा टाइम भी मांग सकते हैं। पीपी साहब वहां पर एक एप्लीकेशन मूव करेंगे और रीजनेबल चीजें बताएंगे कि क्यों अभी तक पूरी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई और वहां पर वक्त बढ़ाया जा सकता है।
उसी तरह से जैसे बाकी के मामलों में अगर हम देखें तो किसी के घर में घुसना, किसी की तलाशी लेना, किसी को पकड़ना, यह इतना इजी नहीं होता। बट यहाँ पर NDPS एक्ट का सेक्शन 42 जो स्पेशल पावर देता है सभी उन पुलिस वालों को जिनके पास कोई भी किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन आती है किसी घर में, किसी दुकान में, किसी मकान में, कहीं पर भी, चाहे फिर वो गाड़ी हो या कोई गोडाउन हो सकता है, कहीं पर भी अगर ऐसा कोई संदिग्ध सामान रखा है जो कि फॉल करता है NDPS एक्ट के तहत, तो वहाँ इवन वो सब तरह के ऑब्स्टिकल्स तोड़कर, मतलब दरवाजा तोड़कर भी आपके घर में घुस सकते हैं, इतना स्ट्रिक्ट कानून भी है। पर मैं आपको एक बात और बता दूं, जिस तरह से NDPS एक्ट में सभी सेक्शंस बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से बनाए गए हैं, वहीं बहुत तरह की लीनियंसी भी बरती गई है। मतलब कि जैसे कि सेक्शन 50 को सही से अगर कंप्लाइंस नहीं किया गया तो आपका बेल का राइट बन जाता है, इवन आप उस केस से डिस्चार्ज या फिर आप बरी भी हो सकते हैं। उसी तरह से बिना सर्च वारंट या बिना अरेस्ट वारंट के जब पुलिस आपको अरेस्ट करती है तो वहां पर भी बहुत तरह से प्रावधान बनाए गए हैं किस तरह से आप अरेस्ट करोगे, किस तरह से किसी घर में भी आप एंटर करोगे। अब बात करें NDPS एक्ट में और चीजों की जो इसको अलग बनाती है, वो है पनिशमेंट। पनिशमेंट और फाइन दोनों का ही प्रावधान है NDPS एक्ट में, बट आप IPC को पढ़ते हो तो बहुत सारे ऐसे सेक्शंस हैं जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बात की गई है पनिशमेंट की, बट यहाँ दोनों से पनिशमेंट आपको दी जाती है। और साथ ही हम एक और बात करें सेक्शन 37 की, दोस्तों सेक्शन 37 NDPS एक्ट का जो ये बोलता है कि इस एक्ट के तहत बेल नहीं दी जाएगी, उसकी लाइन लिखी है ऑफेंसेस टू बी कॉग्निजेबल, जितने भी ऑफेंस होंगे सभी कॉग्निजेबल होंगे एंड नॉन बेलेबल, और नॉन बेलेबल होंगे मतलब कि बेल नहीं दी जाएगी। इसमें ना आपको कुछ सेक्शंस जानने की जरूरत है, 19, 24, 27A और साथ में ही सभी कमर्शियल क्वांटिटी के केसेस। मतलब कि फिर से रिपीट करता हूं, जो NDPS का जो सेक्शन है 19, 24, 27A और साथ में कमर्शियल क्वांटिटी के जितने भी मामले हैं उनमें आपको आसानी से बेल नहीं मिलेगी। बहुत वक्त लगेगा, सालों साल जो आपने लोगों को जेल में देखा है, 5-10 साल से लोग जेल में हैं, या आपने देखा है कि 4-5 साल अभी तक हो गए, ट्रायल भी अभी से पूरा ट्रैक पर नहीं आया है, अभी तक वो जेल में ही है, वो सभी कमर्शियल क्वांटिटी के मामले होते हैं। अगर आपके वकील साहब बहुत एक्टिवली, बहुत अच्छे से केस को स्टडी करके, बहुत अच्छे से केस को समझ के आपका केस अगर प्रेजेंट कर रहे हैं तो मेरा मानना है आप उस केस से बरी हो जाओगे। पर मैं आपको बता दूं NDPS जैसे मामलों में कन्विक्शन रेट बहुत ज्यादा हाई है, लोगों को कन्विक्शन होता है, सजा बोली जाती है, बेहतर है उन सभी केसेस को बहुत अच्छे से अपने वकील साहब को समझाएं, हो सके तो आप खुद भी उस केस पर काम करें, और जितना एक्टिवली आप काम करोगे उतना ही ज्यादा सामने जो एक्यूज है उसको आप जेल से निकालने में उसकी मदद कर पाओगे, क्योंकि इस एक्ट के तहत सारे ही जितने भी सेक्शन बनाए गए हैं बहुत ही कठोर हैं, जिसके अंदर की बेल ना देने के ही प्रोविजंस हैं। साथ में ही एक और चीज जो इसके अंदर मेंशन करना जरूरी है, जो आप अक्सर हमसे सवाल पूछते हैं कि सर क्या NDPS एक्ट के तहत जो भी मामले दर्ज होते हैं क्या उनमें एंटीसिपेटरी बेल मिल सकती है? दोस्तों एंटीसिपेटरी बेल आपको बिल्कुल मिल सकती है, एंटीसिपेटरी बेल लगाने के लिए ऐसा कोई ऑब्स्टिकल नहीं है। मैं आपको बात करूं, मतलब ऐसी कोई भी किसी भी तरह से बाउंडेशन नहीं है कि आप एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगा सकते। वहां पर एक जजमेंट आप पढ़ सकते हैं जहां पर ये मेंशन है चीजें, बालचंद जैन वर्सेस स्टेट ऑफ MP 1977 का ये जजमेंट है जहां पर एंटीसिपेटरी बेल लगा सकते हैं, ऐसी परमिशन आपको मिल जाती है। बट SC/ST एक्ट में अगर देखा जाए जो सेक्शन 18 है उसके तहत, उसकी अगर हम देखें तो वहां पर SC/ST एक्ट के अंदर एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान नहीं है, बट यहां आप बेल बिल्कुल लगा सकते हैं। दोस्तों कोई भी किसी भी तरह के सवाल आपके दिल में है आप सवाल हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। अगला वीडियो किस सेक्शन पर चाहते हैं, किस एक्ट पर चाहते हैं या किस टॉपिक पर आप चाहते हैं कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, ताकि हम उस पर एक वीडियो लेकर आ पाएं और आपके हर तरह के सवाल जो आपके दिल में है उन सबका जवाब आप तक पहुंचा पाएं। दोस्तों अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों परिजन परिवार में शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को कानूनी जानकार बना सके। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।